कैसो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं Xiaomi Mi 9 SE इस डिवाइस के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी के पास एक बात बता देना चाहूँगा, आज जो वीडियो में आपको लाइटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, लाइट में थोड़ा प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स, मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ, तो फ्रेंड्स उसमें मेरे को शिपमेंट करना पड़ रहा है दूसरी जगह पर। तो फ्रेंड्स, आपको अगले वीडियो से प्रॉब्लम की सॉल्यूशन मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगले वीडियो से आपको कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगा, अगले वीडियो से जो लाइटिंग का जो सेटअप है बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा लाइटिंग का इशू है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे Xiaomi Mi 9 SE, एक स्पेशल एडिशन फोन है। इस वीडियो में मैं ऐसे 10 टॉपिक बताऊंगा, इसका प्राइस स्पेसिफिकेशन एंड फ्रेंड्स मैं सब कुछ आपको डिटेल्स में बताऊंगा इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को स्किप मत करिए, लास्ट तक देखिए। एंड फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी के पास एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आप अगर मेरे चैनल के ऊपर नए विजिट करें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपके डिवाइस में सबसे पहले आ जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, Xiaomi का जो Mi 9 SE ये जो डिवाइस है काफ़ी स्पेशल डिवाइस है एंड इसकी जो प्राइस रेंज रखा गया है बहुत ही इफेक्टिव प्राइस है। फ्रेंड्स, इस प्राइस रेंज में ऐसे स्पेसिफिकेशन मतलब मार्केट में बिल्कुल आँख लगा देगा। फ्रेंड्स, ये डिवाइस बहुत ही बढ़िया डिवाइस है। तो फ्रेंड्स, ये जो डिवाइस है अब मार्केट में आना स्टार्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक एक करके 10 टॉपिक बताऊंगा। जी हाँ, एक एक करके 10 टॉपिक बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ध्यान से आप देखते रहिए। सबसे इसका जो मेन हाइलाइट्स है, जी हाँ, इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 712, जी हाँ, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 712 चिपसेट मिलने वाला है, जो काफ़ी नया चिपसेट है। एंड फ्रेंड्स, ये जो चिपसेट है नए नए क्वालकॉम ने लॉन्च किया है, ये 10 नैनोमीटर के ऊपर बेस है। इसका जो स्पीड है बहुत ही अच्छा स्पीड आपको मिलने वाला है इस चिपसेट में, इस डिवाइस के साथ। तो फ्रेंड्स, इसका जो दूसरा टॉपिक है इसका डिस्प्ले, जी हाँ, मैं सबसे पहले आपको डिस्प्ले की बात करता हूँ। डिस्प्ले आपको 5.97 इंच का डिस्प्ले मिलने वाला है, जो वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आता है। जी हाँ, वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आता है। 5.97 इंच का डिस्प्ले है, जो एमोलेड डिस्प्ले है। तो फ्रेंड्स, ये जो डिस्प्ले है बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले है। तो फ्रेंड्स, दूसरा जो टॉपिक है, मेन टॉपिक है इसका, जो इसमें आपको जो डिस्प्ले के अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर मिलने वाला है। जी हाँ, अंडर डिस्प्ले आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलने वाला है, जो काफ़ी एक नया फीचर्स है, काफ़ी ट्रेंडिंग फीचर्स है। तो फ्रेंड्स, आजकल के ज़माने में आप बैक साइड में जो फिंगरप्रिंट सेंसर है उसे हटा के आप अंडर डिस्प्ले दिया जा रहा है, काफ़ी अच्छा एंड काफ़ी जो फ्लैगशिप फ़ोनों में हमें देखने को मिलता है, वो अभी मिड रेंज फ़ोन में भी देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसकी स्टोरेज वेरियंट की बात करें, फ्रेंड्स इसमें स्टोरेज वेरियंट काफ़ी अच्छा रखा गया है। जी हाँ, अपने आपको इस डिवाइस में 6GB रैम के साथ 64GB एंड 128GB का वेरियंट दिया जा रहा है कंपनी की तरफ से। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी बात है। जी हाँ, बहुत ही अच्छी बात है। 6GB रैम ठीक ठाक ही होता है एक मिड रेंज डिवाइस में। 6GB का जो रैम है काफ़ी अच्छा है एंड इसमें आपको जो स्टोरेज वेरिएंट है 64GB एंड 128GB दिया गया है, एक चॉइस रखा गया है। तो फ्रेंड्स, आप इसे एक्सपेंड भी कर सकते हैं। जी हाँ, आप इसे एक्सपेंड भी कर सकते हैं, मेमोरी कार्ड लगा के आप इसे एक्सपेंड भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 712, जी हाँ, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 712 चिपसेट लगा के दिया जा रहा है, जिसका स्पीड आपको बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं इस डिवाइस की कैमरे की, जी हाँ, इसकी अगर कैमरे कंपार्टमेंट की अगर हम बात करें, जो कैमरे आपको बहुत ही अच्छा कैमरा मिलेगा। आपको जो रियर कैमरा है, रियर कैमरा आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मेगापिक्सल होने वाला है। इसमें आपको 13 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल एंड 20 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप दिया गया है रियर में। तो फ्रेंड्स, जो 13 मेगापिक्सल होने वाला है ये वाइट एंगल कैमरा होने वाला है। एंड फ्रेंड्स, जो 8 मेगापिक्सल का जो कैमरा है इसमें आपको टेलीफोटो लेंस के साथ आपको दिया गया है। एंड फ्रेंड्स, जो 20 मेगापिक्सल का है एंड ये जो मेन कैमरा है, ये जो इस कैमरे में आप नॉर्मली फोटो आप शूट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है।
एंड फ्रेंड्स अगर हम इसकी बैक कैमरे की बात करें, जी हाँ बैक कैमरे में आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा दिया जा रहा है। जी हाँ 48 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है एंड इसमें आपको सोनी का जो इस कैमरे का जो सेंसर है सोनी का है, सोनी IMX586। जी हाँ सोनी IMX586 का सेंसर के साथ आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा भी इसमें दिया जा रहा है। तो फ्रेंड्स इसका और एक खास बात मैं आपको बता देता हूँ इस डिवाइस का, इसमें आपको 3.5 में ऑडियो जैक का सपोर्ट भी दिया जा रहा है। जी हाँ आजकल के ज़माने में जितने भी सारे डिवाइस आपको देखने को मिलता है लगभग आपको सारे डिवाइस में 3.5 mm का ऑडियो जैक हटा के दिया जा रहा है, लेकिन इस डिवाइस में आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक मिल जाता है। जी हाँ ये बहुत ही खास फीचर्स है एंड फ्रेंड इसमें आपको USB टाइप सी का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा एंड फ्रेंड्स वायरलेस हेडफोन का सपोर्ट आपको इस डिवाइस में देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें आपको Xiaomi का लेटेस्ट MIUI 10, जी हाँ Xiaomi का MIUI 10 के साथ आपको आउट ऑफ बॉक्स देखने को मिलेगा। इसमें आपको अगर हम एंड्रॉयड वर्जन की बात करें, एंड्रॉयड वर्जन आपको 9.0 पाई के साथ आपको आउट ऑफ बॉक्स देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर हम इंटरनल इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें, बहुत ही बढ़िया स्पेसिफिकेशन है। अगर हम इसकी बैटरी की तरफ जाते हैं तो फ्रेंड्स बैटरी में आपको 3070 mAh की बैटरी मिलता है। जी हाँ 3070 mAh का आपको इसमें बैटरी मिल जाता है जो 18 वाट की फास्ट चार्जर के साथ आपको दिया जा रहा है। जी हाँ 18 वाट की फास्ट चार्जर के साथ आपको 3070 mAh की आपको बैटरी प्रोवाइड किया है Xiaomi ने इस बार। तो फ्रेंड्स अगर हम इसकी बात करें कलर वेरिएंट, जी हाँ कलर वेरिएंट आपको ट्रिपल कलर वेरिएंट के साथ आपको ये डिवाइस दिया जा रहा है। जी हाँ ब्लू ब्लैक एंड वायलेट, ये तीन कलर वेरिएंट के साथ आपको ये डिवाइस मिल जाएगा मार्केट में। तो फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया डिवाइस है एंड फ्रेंड्स इसका जो फीचर्स है काफ़ी अच्छा फीचर्स है। अगर हम इस फीचर्स की साथ इसकी प्राइस रेंज की कंपेयर करें तो प्राइस रेंज आपको मैं बता देता हूँ, इसके प्राइस रेंज लगभग आपको 24,200 से लेके 24,500 के बीच आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगा। जी हाँ 24,200 से लेके 24,500 के बीच आपको इंडिया में इसकी प्राइस रेंज देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था Xiaomi का जो स्पेशल वेरिएंट है Xiaomi MI9AC, ये एक स्पेशल वेरिएंट है एंड फ्रेंड्स इसका पूरा स्पेसिफिकेशन मैं आपके साथ शेयर किया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना एंड फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके डिवाइस में सबसे पहले आ जाए। तो फ्रेंड्स वीडियो में जितने वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, अच्छा लगा तो लाइक कर देना। तो फ्रेंड्स वीडियो में जितने वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।